हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमे के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव खबर निकल के आई है और इस खबर का इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो मदरसन सुमे, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑटो स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी, और जिस तरह से पिछले 3-4 महीने से हमने सेल्स के रिपोर्ट देखे हैं ऑटो कंपनियों के, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, मारुति, जिसने पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है और जबरदस्त बिक्री हुई है। तो जो कि दोस्तों मदरसन सुमे इन्हीं बड़ी कंपनियों को अपने स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करती है, तो मुझे लगता है कि इसका डेफिनेटली इंपैक्ट आपको मदरसन सुमे के शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। और उसके चलते एक बहुत ही बड़ी खबर भी निकल के आई है, तो उस खबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि मदरसन सुमे उसका जो ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है। तकरीबन 263-264 रुपये के आसपास का उसका ऑल टाइम हाई है, और मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए अगर आपने मदरसन सुमे को होल्ड करते हैं तो तकरीबन 300 रुपये तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं मदरसन सुमे में। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा पेशेंस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। और देखा जाए तो मदरसन सुमे का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, यानी लार्ज कैप कंपनी है। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑटो स्पेयर पार्ट बनाती है कंपनी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑटो स्पेयर पार्ट बनाने में। और रिटर्न्स की बात करूँ तो मंथली यहाँ पे हमें फ्लैटी रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ दिन पहले हमें जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी मदरसन सुमे में। तकरीबन उसने 52 एक हाई लगाया 238 रुपये का, और लॉकडाउन के टाइम पे जो लो बनाया था वो तकरीबन 62 रुपये के आसपास का लो बनाया था, जिसके चलते यहाँ पे हमें ईयरली बेसिस पे तकरीबन 265% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों अगर आपने एक साल पहले मदरसन सुमे में इसी प्राइस पे पोजीशन बनाई होगी तो आपका पैसा ऑलमोस्ट दोगुना हो गया होगा। और अभी देखा जाए तो मंथली बेसिस पे जो यहाँ पे फ्लैट रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी खासी अभी 52 के हाई से करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तकरीबन 211 रुपये के आसपास मदरसन सुमे ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि खरीदारी करने का काफ़ी बढ़िया मौका है। मदरसन सुमे में जब भी आपको करेक्शन मिलता है तब आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, और तगड़े रिटर्न्स आपको लंबी अवधि में देखने को मिल सकते हैं। तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आ सकती है और जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर भी एक नज़र करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो इसे जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है। मदरसन सुमे ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था NSE और BSE को, रिपोर्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, और देखा जाए तो मदरसन सुमे के ऊपर रेटिंग अपग्रेड हुई है, जो कि मूडीज़ ने यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड की है। जो कि आपको पता ही होगा कि मूडीज़ जो कि ग्लोबली रेटिंग एजेंसी है, और उसने यहाँ पे देखा जाए तो मूडीज़ हैज़ रिवाइज्ड एंड इम्प्रूव द रेटिंग आउटलुक टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव, जो कि पहले नेगेटिव की रेटिंग थी, उस नेगेटिव की रेटिंग को अपग्रेड करके आउटलुक एंड स्टेबल की रेटिंग दी है दोस्तों। जो कि इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो मदरसन सुमे के जिस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है मदरसन सुमे ने, और उसके चलते यहाँ पे मूडीज़ ने अपनी रेटिंग रिवाइज्ड की हुई है, नेगेटिव से स्टेबल की रेटिंग कर दी है, जो कि मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर है। और इस खबर का इंपैक्ट आपको डेफिनेटली शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल चुका था, और मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यूसली बढ़िया अप मूव आपको मदरसन सुमे में देखने को मिल सकता है। तो आगे किस तरह के लेवल और टारगेट नज़र आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मदरसन सुमे का चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और हमें जो कल यानी यस्टरडे क्लोजिंग देखने को मिली 211 रुपये के आसपास, और जैसा मैंने आपको बताया रिसेंटली तकरीबन 52 एक हाई बनाया और 238 रुपये के आसपास का हाई बनाया, और वहाँ से हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे करेक्शन भी अनिवार्य थी। जिस तरह से हमें तेज़ी देखने को मिली थी तो उस तेज़ी के बाद यहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है, और अभी यहाँ पे जो खरीदारी का जोन बन चुका है वो 190 से 200 रुपये के आसपास का काफ़ी बढ़िया जोन है खरीदारी का। तो इस लेवल के आसपास दोस्तों आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर यहाँ पे 190 और 200 रुपये के आसपास यहाँ पे सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेट जोन है, और इसी लेवल के आसपास अच्छी खासी खरीदारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर तकरीबन 175 रुपये तक लुढ़कता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन दोस्तों बाज़ार में गिरावट रही, अगर कुछ लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट आए तो मुझे लगता है कि सपोर्ट लेवल पे ब्रेक कर सकता है मदरसन सुमे और 175 तक लुढ़क सकता है।
तो इस लेवल के आसपास भी दोस्तों खरीदारी का काफ़ी बढ़िया मौका रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी का लेवल है। आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दोस्तों अपनी पोजीशन बना सकते हो। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करो तो तकरीबन 215 रुपये के आसपास का पहला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है और ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 235 यानी 52 का हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ मदरसन सुमी नज़र आ सकता है। अगर यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन लेवल को भी ब्रेक किया तो उसका जो ऑल टाइम हाई है 264.65 का, तो वहाँ तक के भी आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको इन लेवल को वॉच आउट करना है और अपना स्टडी कंडक्ट करना है, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनानी है। और जैसा मैंने दोस्तों बताया, एवरी डिप्स पे आपको मदरसन सुमी को बाई करना चाहिए। बहुत अच्छा स्टॉक्स है और बिजनेस भी काफ़ी तगड़ा है, और ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों आपको लंबी अवधि में अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ईयरली बेसिस पे आपको मदरसन सुमी 25-30% तक के रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों इन लेवल को वॉच आउट करें, अपना स्टडी कंडक्ट करें और लंबी अवधि के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूलें, और चैनल पर नया है तो इसी जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जीरोधा में या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।